वैसे तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट बनानी पड़ रही है। मैंने थंबनेल में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आप क्लिक करो एंड आओ। तो मैं बता देता हूँ कि मैंने दो पॉइंट्स जो है कुछ लिख रखे हैं, मतलब दो पॉइंट लिख रखे हैं मैंने इसमें, जो कि मैंने देखे और यूट्यूबर्स के कमेंट पढ़े। एंड यस, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं एंड जिन्होंने भी रिएक्शन वीडियोज़ बनाए हैं, उनके कमेंट पढ़े, एंड मैंने देखा कि भाई ये यही दो मेन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप जो हो आप हेट कर रहे हो इंडस को, जो कि मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बना रहा है। ठीक है, तो आज इसी बारे में बात करेंगे। मेरे को पता है काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई देखो अंधा भक्त आ गया एंड वगैरह वगैरह, कि भाई इंडस का चमचा है। देखो मैं कोई अंधा भक्त नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई बिना बात ही नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखो, समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एंड जिसकी वजह से आप लोग जो मतलब हेट दे रहे हो, कि इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब चलो आगे, तो मैं मतलब एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले वीडियो को पूरा देखना, समझना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पे आते हैं ग्राफिक्स। यस, ग्राफिक्स। एक बार जरा ये स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग वगैरह, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखना जरा एक बार। मुझे पता है कि आप सभी ये कहोगे कि यार टीडीएम के जो ग्राफिक्स है वो तो सही है, वो तो अच्छे हैं, बट जो बैटल रॉयल के ग्राफिक्स है वो कम है। ऐसा मैं भी यही सोचता था, एंड यस, फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने मेरे को समझाया कि भाई ऐसा नहीं है, ग्राफिक्स मैटर नहीं करते। मतलब मैटर करते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं करते कि मतलब भाई बस विदाउट ग्राफिक्स तो भाई गेम चलेगा ही नहीं, ऐसे वाला कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। कॉल ऑफ ड्यूटी जो है वो इंडिया में क्यों नहीं चला, जबकि कॉल ऑफ ड्यूटी के तो आपको पता ही है कि भाई ग्राफिक्स तो भाई वो तो नेक्स्ट लेवल है, वो बीजीएमआई पबजी से भी बहुत नेक्स्ट लेवल है उसकी ग्राफिक्स। उसकी गन की स्किन, कार की स्किन, बाइक की स्किन, मतलब स्किन के मामले में तो कोई जवाब ही नहीं है भाई उस गेम का, है ना। लेकिन फिर भी यार पबजी चला, बीजीएमआई चला, यहाँ तक कि भाई पबजी मोबाइल लाइट भी चला। एंड भाई सबको पता है कि भाई पबजी मोबाइल लाइट के जो ग्राफिक्स हैं वो तो भाई कोई अच्छे थे ही नहीं, है ना, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा क्यों चला वो गेम। मुझे पता है कि अभी आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई ग्राफिक्स के मामले में बात आ रहा है, तो शायद मैंने एक गेम तो छोड़ ही दिया, जो कि है फ्री फायर। यस, आपको भी पता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी और बीजीएमआई से पबजी से ग्राफिक्स फ्री फायर के काफी कम है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा क्रेज है फ्री फायर का, है ना। तो इससे ये तो पता चल गया कि ग्राफिक्स मैटर नहीं करते हैं, मैटर करते हैं लेकिन इतना नहीं करते हैं कि भाई गेम ही नहीं चलने का। ठीक है, तो फिर मैटर क्या करता है जब ग्राफिक्स नहीं करते, तो फिर मैटर क्या करता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। बट पहले हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर टू की। यस, उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट नंबर वन समझ में आ गया होगा कि भाई ग्राफिक्स मैटर करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर टू पे आता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन से याद आया, शायद आपका गेम में भी ऑप्टिमाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो अड़ी रही है। वेल, मैं कोई हेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा भी पर्सनल फेवरेट गेम है वो, डेफिनेटली भाई बहुत अच्छा गेम है, बट मैं क्या कहना चाहता हूँ वो बात आप समझो। मुझे पता है कि पहले बहुत ज़्यादा लैग होता था, बग्स थे, ग्लिचेस वगैरह थे। यस, तो इसी बात पे काफ़ी सारे लोग यही कहते हैं कि भाई गेम बेकार है, गेम बेकार है, गेम बेकार है। तो मैं उन सभी को एक ही बात कहना चाहता हूँ, वेट, इसके बारे में आगे बात करेंगे, पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई ऑप्टिमाइज हो ही नहीं रहा है। जिनके पहले 30 FPS आते थे, ठीक है भाई, अब उनके भाई 45-50 आ जाते हैं, ठीक है, अब उनके इतने आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा है, ऑप्टिमाइज हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट नंबर टू भी समझ में आ गया होगा कि भाई ऐसा नहीं है ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा है, ऑप्टिमाइज गेम हो रहा है। अब मुझे पता है काफी सारे लोग ये कहेंगे कि भाई तूने भी भाई तारीफ कर दी, ठीक है,
कर दिया तूने भी अंधा सपोर्ट। मैं उन सभी को ना बस एक चीज कहना चाहता हूँ, वेट, मैं अंधा सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि यार फाइनल प्रोडक्ट तक तो पहुंचो, फाइनल प्रोडक्ट का तो देखो कि भाई फाइनल क्या है, एंड में क्या है, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह एंड में क्या हो रही है, जो कि अब 16 तारीख को मतलब 16 तारीख को लॉन्च होएगा, भाई 16 तारीख को गेम कैसा चलेगा, ऑप्टिमाइज कैसा होगा, क्योंकि भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वेट, अभी इतना हेट मत फैलाओ, अभी इतना हेट फैलाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्टिमाइज वगैरह का ये सब कब देखना है, भाई 16 तारीख को, अभी उससे पहले कोई हेट मत फैलाओ। अब बात करते हैं ग्राफिक्स की। देखो यार सीधी सी बात है, अगर ग्राफिक्स बहुत ज्यादा हाई कर दिए जाएंगे तो डेफिनेटली यार लैग होगा, एंड ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हो कि अभी भी लोगों के पास हाई एंड डिवाइस नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि ग्राफिक्स उतना मैटर नहीं करता है। एक और बात बताता हूँ मैं आपको, मेरे दोस्त ने ना एक बात बताई थी कि भाई उसकी गली में ना बच्चे, मतलब गली में बच्चे है ना फ्री फायर खेलते हैं, तो भाई वो बता रहा था कि भाई उनके डिवाइस में फ्री फायर भी लैग करता है, एंड भाई उसने एक बात बताई कि भाई उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई ग्राफिक्स से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पता ही नहीं है ग्राफिक्स क्या है, उसे बस गेम खेलना है, अपने दोस्तों के साथ मजे लेने हैं, ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई ग्राफिक्स वगैरह से है ऐसा था। तो तभी यार मेरे दिमाग में भी एक आइडिया, मतलब मेरे दिमाग में भी आइडिया कह रहा हूँ, मतलब मेरे दिमाग में भी एक बात याद आ गई, भाई मेरा ये फोन है, ठीक है भाई, इस फोन में भी ना भाई मैं GFX टूल, ठीक है, मतलब टेक्सचर उड़ा के मतलब ग्रास वगैरह सब उड़ा उड़ू के भाई बिल्कुल ही प्लेन बिल्डिंग करके भाई BGMI खेला करता था इसमें, ठीक है, अभी है मतलब मेरे पास अभी अच्छा डिवाइस आ चुका है, बट पहले तो मेरे पास यही था भाई। उस समय मेरे माइंडसेट पता क्या था कि यार बस गेम चल जाए, कैसा भी चले गेम चल जाए, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस समय ग्राफिक्स से। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ग्राफिक्स मैटर नहीं करते हैं, मतलब करते हैं लेकिन इतना नहीं करते कि भैया गेम ही नहीं चलने का। तो फिर मैटर क्या करता है, देखो मैटर करता है ऑप्टिमाइजेशन, ताकि भाई लो एंड डिवाइस में भी अच्छे से चले, एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई वेट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट का, कि भाई 16 तारीख को देखते हैं कि भाई लो में भी कैसा चलेगा, उसके बाद जज करना आप कि भाई ये गेम में वो है, ये गेम में वो है, ठीक है। तो अभी हेट मत करो, जो भी नए बंदे आ रहे हैं उन्हें देखने तो दो कि भाई गेम है क्या, अभी 16 तारीख को आने तो दो, उससे पहले ही आपने तबाही मचा रखी है। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी 16 तारीख तक वेट करो, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को समझ पा रहे होंगे। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं अंधा भक्त हो गया भाई ऐसी तैसी भाई बस सपोर्ट ऐसा नहीं है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई वेट करते हैं 16 तारीख तक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो अगर समझ नहीं आई है कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर से दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।